नरेंद्र मोदी और फारूक अब्दुल्ला के बीच बहस अब तू तू में बदल गई है, तू तू में चल रही है। बल्कि एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी समर्थकों को समंदर में डूब जाना चाहिए, तो मोदी ने जवाब दे दिया है कि सेक्युलरिज्म का कार्ड खेलने वाले अब्दुल्ला बताएं कि कश्मीर में क्या हुआ। अब इस बहस में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। लोकतंत्र की इस लड़ाई का धर्म धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी व्याख्या और पहचान अलग अलग देश काल में अलग अलग नेता करते रहे हैं। नेताओं के एक बड़े समूह की ही तरह फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक मोदी परम सांप्रदायिक हैं और मोदी समर्थक उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, लिहाजा उन्हें समंदर में डूब जाना चाहिए। फिर वो कहें उनके पिछला कवाल फिल्म के जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। मोदी ने फारूक का बयान सुना और अपना बयान जारी किया कि पूरे देश में धर्म निरपेक्षता अगर कहीं मारी गई है तो वो कश्मीर है, जहां से धर्म के नाम पर लाखों पंडितों को भगा दिया गया।